हमें तो लूट लिया मिलके न्यूजीलैंड वालों ने, ईरान वालों ने और इटली वालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके न्यूजीलैंड वालों ने, ईरान वालों ने और इटली वालों ने। हो खुदा सवाल करेगा अगर कयामत में, हम भी कह देंगे हम लुट गए शराफत में। हमें तो लूट लिया मिलके न्यूजीलैंड वालों ने, ईरान वालों ने और इटली वालों ने। हमें तो लूट लिया। बिल्कुल आपने सही सुना कि हमें तो लूट लिया मिलके बाहर वालों ने, न्यूजीलैंड वालों ने, चाइल्ड वालों ने, ईरान वालों ने और इटली वालों ने। ये बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा है जो पिछले कई दशक से चल रहा है हमारे भारत के अंदर। हम लोग बड़े सीधे साधे, बड़े सच्चे इंसान हैं, इसलिए लोग हमें बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, हमें लूट के चले जाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए इशू के साथ दोबारा से आपके इस प्लेटफॉर्म पर, विच इज़ अ ज़ीरो लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म विद मी डॉक्टर इरफान खान। तो देखते रहिए, बने रहिए एंड तक, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा डिस्क्लोज करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है कीवी फ्रूट से, है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंड एक एक करके हम चीज़ों को उठाएंगे, विल डिस्कस वन बाई वन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोपेगेंडा के बारे में, है ना, कि प्रोपेगेंडा है क्या एक्चुअली, वॉट इज़ दिस प्रोपेगेंडा अबाउट, ये है क्या प्रोपेगेंडा, है ना। ये आपको पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप किस चीज़ से बच जाओगे, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बारे में विटामिन सी, एक्चुअली विटामिन सी के नाम पर प्रोपेगेंडा चल रहा है ये। समझ रहे हैं आप, विटामिन सी के नाम पर। कुछ साल पहले एक बहुत ही बड़ा एक डेंगू का एक एक रजाइम आया था जिसमें बहुत ज़्यादा डेंगू फैला था, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, बहुत सारे लोग मरे थे। तो मेडिकल फील्ड के जो प्रैक्टिशनर्स थे या जो दूसरे लोग थे, कंसर्न पीपल जो थे, पर्सन जो थे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था कि आप भैया के अगर कीवी का फ्रूट आप खा लोगे तो आपकी प्लेटलेट काउंट बढ़ जाएंगी, कि उसमें जो डेथ हो रही थी प्लेटलेट की वजह से हो रही थी, है ना, क्योंकि प्लेटलेट जो है बेसिकली ज़रूरी होती है सो दैट जो आपका ब्लड है वो आपके विद इन दी आर्टरी जो है फ्लो कर पाए अच्छे से। प्लेटलेट काउंट अगर गिर जाएगा तो आपका जो ब्लड है वो आपके जो आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, उनमें फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है लोगों ने कीवी फ्रूट पूरी बाढ़ सी आ गई कीवी फ्रूट, और इतना महंगा ये मिल रहा है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, एंड ये लिटरली इट इज़ एन आई ओपनिंग वीडियो, ये मैं बना ही इसी ले रहा हूँ क्योंकि हमारे भारत के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। इंडिया इज़ यू नो इज़ अ आफ्टर चाइना एट सेकेंड पोजिशन इन प्रोड्यूसिंग दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और उसके बावजूद हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया से सबसे अलग हैं, सबसे रिचेस्ट हमारा फ्लोरा एंड फौना है, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर के जो लोग आते हैं वो अपना सामान इंडिया में बेच के चले जाते हैं और हम चुपचाप जो है मुँह बधिर होकर उसको खरीद लेते हैं। हम देखते ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है देखा था कि चलती है ना, हमने उसको देखा अच्छा भैया वो कीवी फ्रूट खा रहा है तो हम भी खाएंगे। सो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने ला के हम पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे और आपकी आंखें खुलने का काम करेंगे कि एक्चुअल में इसका रोल क्या है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो बेसिकली प्रोपेगेंडा ही है, प्रोपेगेंडे के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा गिर जाता है, लोग कहते हैं कि कीवी फ्रूट खाइए। और सबसे मेन जो कारण होता है कीवी फ्रूट जो सजेस्ट करते हैं मेडिकल फील्ड के जो डॉक्टर्स होते हैं वो होता है विटामिन सी, बस। बाकी जो इंग्रेडिएंट हैं, बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलग हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। विटामिन सी इज़ एक्चुअली रिपोर्टेड टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट काउंट, ये आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बहुत सारे रिसर्च पेपर आपको मिलेंगे, बहुत सारे उनमें से मैंने कुछ उठाए हैं ताकि आपको एक रेफरेंस मिल सके। तो बहुत सारे आपको रिसर्चेज मिलेंगी जो जहाँ पर विटामिन सी जो है वो ऐसा पाया गया है कि अगर आप सफिशेंट अमाउंट में लेते हैं तो ये आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ा देता है। लेकिन विटामिन सी लेने के लिए कीवी फ्रूट ही क्यों, वाई ओनली कीवी फ्रूट, है ना, क्या कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है? क्या हमारे भारत के अंदर, हमारा भारत इतना रिच है फ्लोरा एंड फौना में, उसके बावजूद क्या हमें न्यूजीलैंड से कीवी लेने की ज़रूरत है? हमें चाइल्ड से, ईरान से, इटली से हमें कीवी खा के अपना विटामिन सी पूरा करने की ज़रूरत है? क्या हमारे भारत में ऐसा कोई भी फल नहीं है, क्या कोई वेजिटेबल नहीं है, सब्जी नहीं है जो इसका रिप्लेसमेंट साबित हो सकता है या इससे बेहतर साबित हो सकता है? तो आइए देखते हैं
सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन चिली की। ग्रीन चिली देख सकते हैं, तो ग्रीन चिली के अंदर जो विटामिन सी होता है वो आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मैंने एक रिसर्च आर्टिकल का रेफरेंस लिया है। बेसिकली जो केमिकल नेचर होता है विटामिन सी का वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और उसमें देखिए ये लेफ्ट साइड में जो वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ ली गई हैं, इसमें मैंने कुछ कॉमन वैरायटीज़ जो है मैंने पिक की हैं जो आपको आपके साथ डिस्कस करने हैं। जैसे G4 की बात कर लेते हैं, तो G4 वैरायटी जो है इसमें एस्कॉर्बिक एसिड विच इज़ इन मिलीग्राम पर 100 ग्राम 135.3, लगभग 135 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है विटामिन सी, जबकि GVC 121 वैरायटी के अंदर 161 तक होता है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्रीन चिली के अंदर कितना विटामिन सी। अच्छा, इससे पहले कि ये थोड़ा सा रेफरेंस आपको मिल जाए, सबसे पहले कीवी की बात कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले कीवी का आपको रेफरेंस दिखा देते हैं ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि कीवी के अंदर एक्चुअल में विटामिन सी क्या होता है। और आपको ये बात बता दें, कि जो कीवी फ्रूट होता है, जो आमतौर पर हमारे भारत में इंडियन कंटिनेंट में खाया जाता है, कीवी फ्रूट दो तरीके का होता है। एक तो ग्रीन टाइप होता है, ग्रीन कीवी फ्रूट होता है, और एक गोल्डन वैरायटी होती है इसकी। तो ग्रीन वाले में जो आमतौर पे देखा होगा आप लोगों ने, आप सभी लोग अपने शहरों में जो रूरल अर्बन एरियाज़ में जो ग्रीन जो इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे ग्रीन कीवीज़ होते हैं। अंदर से आप काटोगे तो ग्रीन निकलेगा, ये आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं, इस तरीके से दिखता है ये। तो उसमें जो विटामिन सी होता है ग्रीन कीवी में, वो कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ कीवी फ्रूट, इसमें ग्रीन रॉ और गोल्ड रॉ। तो देख सकते हैं एस्कॉर्बिक एसिड टोटल कंटेंट जो मिलीग्राम में होता है 92.7 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ एडिबल फ्लैश, जबकि जो गोल्डन वाला जो होता है, गोल्डन वैरायटी जो होती है कीवी की, उसमें होता है 105.4 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ एडिबल फ्लैश। तो ये एक रेफरेंस रहा, ये एक रेफरेंस है आपको बताने के लिए। अब जो हमारे इंडिया के अंदर जो मेन कुछ वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, उनके अंदर विटामिन सी कितना कितना होता है, ये अभी हम बात करेंगे। तो ये पहले इसलिए आपको बता दिया ताकि आपके दिमाग में एक रेफरेंस फीड रहे, है ना। एक रेफरेंस है कि अगर कीवी में इतना होता है तो हमारे जो दूसरे जो इंडियन बेस्ड हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो फ्रूट्स हैं या जो वेजिटेबल्स हैं, उसमें कितना होता है। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट, हम ग्रीन चिली का देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं ग्रीन चिली का। तो ग्रीन चिली का ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसमें G4 के अंदर जो विटामिन सी है 135.3 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ ग्रीन चिली है, जबकि GVC 121 में 161 है, मैक्सिमम इतना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं गुआवा के अंदर, तो गुआवा के अंदर आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जो इसमें सेलेक्टेड जो मैंने आर्टिकल्स उठाए हैं, इसमें जो सबसे कॉमन हमारा नॉर्दर्न इंडिया में जो होता है वो अलाहाबाद सफ़ेदा और लखनऊ L49 इसे कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस वैरायटीज़ है जो आजकल चल रही हैं। तो L49 विच इज़ लखनऊ 49, इसमें 366.5 इतना मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ विटामिन सी होता है। अब आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, हालांकि बाद में मैं आपको एक जब लास्ट में कॉस्ट एनालिसिस करवाऊँगा उसका एक बताऊंगा कि कौन सा सबसे चीपर पड़ता है, चीपेस्ट पड़ता है, वहाँ पर भी ये सब आपको बताया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कीवी के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है विटामिन सी। चलिए, तो ये आपका गुआवा के अंदर हो गया। नाउ लेट अस सी सम आंवला, आंवला के अंदर देख लेते हैं। तो आंवला के अंदर हमारा जो विटामिन सी है दैट इज़ देख सकते हैं, इसमें कई सारी वैरायटीज़ हैं, NA7, NA9, NA10, बलवंत, चकैया। तो चकैया के अंदर आप देख सकते हैं मैक्सिमम है 585 मिलीग्राम पर 100 ग्राम है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी है, जो कि बहुत ज़्यादा है कीवी फ्रूट के कंपैरिजन में, बहुत ज़्यादा है, है ना। तो आप देख सकते हैं जो कि हमारा, जिसको आंवला को हम कहते ही इंडियन गूसबेरी है, समझ रहे हैं आप। तो आंवला एक ऐसा है, आंवला एक ऐसा फ्रूट है जिसको इंडियन गूसबेरी कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो फ्रूट है उसके अंदर जो विटामिन सी है वो 585 मिलीग्राम पर 100 ग्राम है, और हम कहाँ से मंगा रहे हैं, न्यूजीलैंड वाला खा रहे हैं जिसके अंदर 92 के आसपास है, 92 मिलीग्राम है पर 100 ग्राम, है ना। अब इसकी जब कॉस्ट एनालिसिस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में कौन सा हमें सस्ता पड़ रहा है, कौन सा महंगा पड़ रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, और ऑरेंजेस का देख सकते हैं आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑरेंजेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा
आमतौर पे एक जनरल स्टीरियोटाइप एक बना हुआ है, लोग समझते हैं कि संतरे के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये खट्टा होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो संतरे के अंदर आप देख सकते हैं 53 के आसपास जो है, 53 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ फ्रूट जो है हमारा विटामिन सी होता है ये। अच्छा, इसके साथ ही एक और फूड है हमारा, जो हालांकि इंडिया में नहीं है, जो ऑस्ट्रेलियन बेस्ड हमारा एक फ्रूट है, विच इज़ प्लम, जिसे ककाडू प्लम कहते हैं, जिसमें विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअल में, लेकिन उसकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो महंगा इतना होता है कि जब कॉस्ट एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना सस्ता पड़ रहा है या कितना महंगा पड़ रहा है ना। तो विटामिन सी तो बहुत ज़्यादा है बट कॉस्ट वाइज वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो ये कुछ फ्रूट थे और कुछ वेजिटेबल के एग्जांपल्स थे जो आपको बताए गए कि कीवी फ्रूट की कंपैरिजन में कितना ज़्यादा इसमें विटामिन सी मौजूद है। अब ये वाला जो एस्पेक्ट हमने डिस्कस कर लिया कि आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि कीवी फ्रूट के अंदर जो विटामिन सी है ना, जिसको बेचकर पिछले 10-15 साल से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि इसको खाओ और विटामिन सी आपके अंदर बढ़ जाएगा, आपको डेंगू नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। भाई साहब, विटामिन सी के और भी सोर्सेज हैं इंडिया के अंदर, जो अभी अभी मैंने आपको बताए हैं। अभी जो नेक्स्ट में जब कॉस्ट एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है, जब कॉस्ट एनालिसिस करेंगे तो आपकी आँखें खुल जाएंगी, तो आपको पता लगेगा कि पर रुपीज़ 1 रुपये में सबसे ज़्यादा विटामिन सी हमें कहाँ से मिल रहा है। सो नाउ लेट अस लुक एट दिस। तो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कॉस्ट एनालिसिस ऑफ विटामिन सी, जिसमें हमारा फूड टाइप, सबसे पहले कीवी फ्रूट का देख लेते हैं, है ना, ताकि हम अच्छे से आसानी से कंपैरिजन कर पाएँ। विटामिन सी लगभग 93 होता है इसमें, जो ग्रीन टाइप का होता है 93 मिलीग्राम, जो हम पहले ही ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और एवरेज जो इसका मार्केट प्राइस होता है लगभग 40 रुपये का पर पीस, एक पीस आता है, और एक पीस का जो इसका वज़न होता है, जो वेट होता है, वो लगभग 70 ग्राम के आसपास होता है, 70 ग्राम्स होता है। तो अगर 1 रुपये में पर रुपीज़ 1 रुपये में कितना विटामिन सी आप जो है परचेज कर रहे हो, उसकी अगर आप एनालिसिस करोगे, मेजर करोगे, कैलकुलेट करोगे, सो दैट विल बी अल्टीमेटली 1.62 मिलीग्राम विटामिन सी पर 1 रुपीज़। 1 रुपये में आपको 1.62 मिलीग्राम विटामिन सी मिल रहा है, किससे? कीवी फ्रूट से। अब ऑरेंजेस की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो प्राइस मैंने लिए हैं, ये एवरेज प्राइस लिए हैं, ना ही कम लिए हैं ना ही ज़्यादा लिए हैं, एवरेज प्राइस लिए हैं। तो ऑरेंजेस के अंदर आप देख सकते हैं कि 53 मिलीग्राम के आसपास विटामिन सी है, और एवरेज इसकी मार्केट प्राइस 200 लिया है यहाँ पर, और इसके हिसाब से जो आपको विटामिन सी पर रुपी के हिसाब से पड़ेगा, वो पड़ेगा 2.65 मिलीग्राम पर 1 रुपी। ग्रीन चिली का देख सकते हैं आप, ग्रीन चिली में आपको जो टोटल आपको विटामिन सी पड़ेगा, दैट विल बी 34.57 मिलीग्राम पर 1 रुपीज़। 1 रुपये में इतना विटामिन सी आप परचेस कर पाएंगे। आंवला के अंदर देख लेते हैं, चकैया वैरायटी, जैसा कि इसमें मैंने बताया कि लास्ट वाली जो स्लाइड थी के मैक्सिमम जो विटामिन सी होता है चकैया वैरायटी में बहुत ज़्यादा होता है, सो वी हैव सेलेक्टेड दिस वैरायटी इटसेल्फ, व्हिच इज़ हैविंग अराउंड 585 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ फ्लैश विटामिन सी। सो नॉर्मल प्राइस दैट वी हैव टेकन इज अराउंड 100 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो 58.5 मिलीग्राम पर 1 रुपी आपको विटामिन सी, मतलब 1 रुपये में आपको 58.5 मिलीग्राम विटामिन सी मिलेगा। गुआवा की बात कर लेते हैं, है ना, गुआवा विच इज़ L49, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, हमने सिर्फ एक सेलेक्ट की है रेफरेंस के लिए। नॉर्मल प्राइस हमने 50 रुपये लिया है यहाँ पर, 50 पर केजी। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 73.2 मिलीग्राम पर 1 रुपीज़, मतलब ये एक निष्कर्ष वाली बात है कि सारी की सारी, सारा का सारा चिट्ठा आपके सामने खोल कर रख दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 1 रुपये में मैक्सिमम विटामिन सी आप किससे मिल रहा है, आपको अमरूद से मिल रहा है। अमरूद जो कि हमारे भारत में अब से नहीं, हज़ारों साल से पैदा हो रहा है। मैं वही तो कहता हूँ, हर बार मैं यही कहता हूँ यार, है ना, है रीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो भारत का जो पोटेंशियल है वो अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो अमरूद जो आम तौर पे जो लोग कहते हैं कि गरीबों का सेब है ये, है ना, आम तौर पे जो गरीब इंसान 250-300 वाला सेब नहीं खरीद पाता है, वो बेचारा अमरूद खरीद लेता है। तो आप देख सकते हैं विटामिन सी कितना है, मतलब 1 रुपये में आपको 73 मिलीग्राम के आसपास विटामिन सी मिल रहा है, जबकि कीवी में कितना मिल रहा है आपको, आप देख सकते हैं, अभी अभी जो देखा था हमने 1.62 के आसपास मिल रहा है।
तो ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है और जो कई दशक से चल रहा है और लोग बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं। तो ये मेरी आपसे विनती है, एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट इस वीडियो को देखने के बाद में अब अपनी आंखें खोल लीजिए। अब और ज़्यादा बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा ट्रैप में इन लोगों के आने की ज़रूरत नहीं है। देखो अभी क्या है ना, ये जो दौर चल रहा है ना, ये पूंजीवाद का दौर चल रहा है। सब लोग खाने पर लगे हुए हैं, मतलब उनका बस नहीं चलता है लोगों का कि आपकी जेब में हाथ डालें और वो पैसे निकाल लें, आपकी आंखों में लाल मिर्चें फेंक दें और आपके पैसे चुरा लें। तो अपनी आंखें खोल लीजिए, ये मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो साथी हैं, अपने आपके जानने वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनको भी बताइए कि अब से जो है ये कीवी फ्रूट जो 40 रुपए का आता है उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना वो क्लेम उसको करते हैं मार्केटिंग के लिए, वो सिर्फ विटामिन सी है और विटामिन सी में उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ स्टैंड कर रही है आपने भी देख लिया, ठीक है ना। तो 40 रुपए का एक कीवी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अमरूद खाइए, आपका विटामिन सी पूरा हो जाएगा। आप दोपहर के खाने में एक सिंगल हरी मिर्च खाइए, रात के खाने में एक हरी मिर्च खाइए, ठीक है ना। आप आंवला सीधे सीधे नहीं खा सकते हैं, आंवला की कैंडी खाइए, आंवला का जो मुरब्बा आता है वो खाइए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप जो है वो नॉन शुगर प्रोडक्ट्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब चीज़ों के। बट जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया के हैं वो कीवी से कहीं ज़्यादा हैं। अब एक लास्ट वाला जो मैं आपको बोल रहा था, ये लास्ट आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, काकाडू प्लम। तो काकाडू प्लम ये ऑस्ट्रेलिया का एक फ्रूट है, प्लम है, जिसमें विटामिन सी तो बहुत होता है, लगभग 6000 मिलीग्राम, मतलब ऑरेंज जो संतरा होता है संतरे की कंपैरिजन में 100 गुना ज़्यादा विटामिन सी इसके अंदर होता है, लगभग 6000 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ फ्रूट होता है। लेकिन ये इतना महंगा होता है कि अगर इसकी कॉस्ट अगर पर 1 रुपी निकालेंगे तो कितना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं, 0.6 मिलीग्राम पर 1 रुपी, मतलब एक रुपये में आपके पास सिर्फ 0.6 मिलीग्राम ही आपको विटामिन सी हाथ लगेगा, है ना। तो ऐसा बड़ा होना, ऐसा ज़्यादा होना भी क्या मतलब है। अगर इसके अंदर विटामिन सी ज़्यादा भी है और हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने पर वो उतना विटामिन सी मिल रहा है तो फ़ायदा क्या होगा, है ना। वो कहते हैं ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो इतना बड़ा भी क्या फ़ायदा कि आम इंसान उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए। और आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि एक रुपये में 0.6 मिलीग्राम के आसपास मात्र आपको विटामिन सी मिल रहा है काकाडू प्लम से, और ये एक्सेसिबल भी नहीं है इतना आसानी से। तो सबसे ज़्यादा कुल मिला के जो कंक्लूजन वाली बात है वो क्या है कि कीवी फ्रूट के नाम पर हमें ठगा जा रहा है। अब ठगने की ज़रूरत नहीं है, अब ठगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब चीज़ें क्लियर हैं आपके सामने। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कीवी फ्रूट की जो मार्केटिंग है सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी वर्सेस प्लेटलेट के नाम पर की गई है, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने, जिन स्टेक होल्डर ने रोल प्ले किया, हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। वो उनका जो है वो रब मालिक है, वो उनका हिसाब किताब सब होगा, ठीक है ना। जिन्होंने जो किया है, जैसे तैसे पैसा कमाया, लोगों को बेवकूफ बनाया। तो कुल मिला के कीवी फ्रूट के जो मार्केटिंग है विटामिन सी के नाम पर है, और विटामिन सी कीवी फ्रूट से ज़्यादा हमारे इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपने देख लिया कितना ज़्यादा है। तो अब बिल्कुल भी ठगे जाने और बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। अमरूद खाइए और बिल्कुल ज़बरदस्त खाइए एकदम, है ना, बढ़िया खाइए, बढ़िया विटामिन सी लीजिए, है ना। और उसके अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, आंवला हो गया आपका, ग्रीन चिली हो गई, ऑरेंजेस वगैरह हैं जो हमारे जो भारत में महाराष्ट्र में जो नागपुर में पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे मोर देन सफिशिएंट हैं, ठीक है। बिल्कुल भी कीवी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कीवी के अंदर अगर कुछ है जिस पे क्लेम करते हैं लोग, तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ विटामिन सी, है ना, और वो भी उतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो अमरूद इज़ द बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से, मेरी एक परामर्श, एक ओपिनियन है सब लोग को, कि अगर विटामिन सी, वो भी पर्टिकुलरली जो आजकल चल रही है L49 वैरायटी, हालांकि आपके शहर में जो भी वैरायटी मिल रही है उसमें कितना ही कम होगा, कीवी से तो ज़्यादा ही होगा, है ना। तो जब भी मिल जाए, चलते फिरते एक अमरूद लीजिए, बढ़िया से उसको वॉश करिए, घर पर ले जाइए, रास्ते में खाइए, एंड दैट इज़ द बेस्ट सोर्स टू गेट दी एंड द चीपेस्ट सोर्स टू गेट दी विटामिन सी एज़ कम्पेयर टू दी कीवी फ्रूट। तो बने रहिए। इससे पहले एक बात और मैं बता दूं कि इससे पहले कि आपसे रुख्सत हो, कि जैसे कि लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा एक प्लान चल रहा है, जीविका इज़ अ स्टार्टअप दैट वी गोइंग टू स्टार्ट, और बहुत जल्दी ही उसकी वेबसाइट और तमाम चीज़ें आपके साथ में साझा की जाएंगी, शेयर की जाएंगी। आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो दुआ करते रहिए और देखते रहिए। अभी ये थोड़ा सा गैप हो गया, लास्ट वाले हफ्ते में मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसकी कुछ वजह थी, कुछ ट्रेजेडी वगैरह यहाँ पर हो गई थी, यहाँ मैं रह रहा था, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। बट आगे से जो वीडियो है वो कंसिस्टेंट रहेगा, इंशाल्लाह मालिक ने चाहा। तो बने रहिए, अपने इस चैनल को देखते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी बढ़िया इशू के साथ में।